वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट वन करवाने जा रहा हूँ सोशल साइंस की। ये आपके एसएससी की वर्कशीट है क्लास सिक्स के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। आपकी जो ज्योग्राफी की जो बुक है उसके लेसन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड ये बुक है, सॉरी ये वर्कशीट है। और वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो हमारी जो धरती है ठीक है उसमें जो सोलर सिस्टम है उससे रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सेलेस्टियल बॉडीज है। और जान लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज किसे कहते हैं। द सन द मून प्लैनेट स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये कह रहे हैं जो सूरज है, जो चंद्रमा है और जो बाकी के जितने भी सारे ग्रह हैं और जो तारे हैं और जितनी भी सारी और बॉडीज हैं उन सबको जो यूनिवर्स के अंदर है हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, मैंने आंसर्स कर रखे हैं बच्चों, लेकिन आप पहले थोड़ा समझ लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने आंसर मेरे आंसर से मैच कर लो। ठीक है, हमें बोला गया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। ठीक है, ये लिखा सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये कह रहे हैं गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, इनकी खुद की हीट होती है एंड लाइट, इनका खुद की लाइट भी होती है और खुद का प्रकाश मतलब लाइट और हीट मतलब होता है उष्मा मतलब गर्मी होती है। और विद एमिट इन लार्ज अमाउंट, पता है ये इतनी बड़ी मात्रा में अपने मतलब तो उत्सर्जन करना, निकालना, पैदा करना, ये बहुत बड़ी मात्रा में हीट को लाइट को पैदा करते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, ऐसी बॉडीज को स्टार्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्टार्स कहा जाता है। उसके बाद है सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये कह रहे कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनकी खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये तारों के प्रकाश से ही जगते हैं, जैसे हमारी जो धरती है ना है। ठीक है, और जैसे मून है तो इन सब प्रकार की जो चीजें होती है ना ये क्या करते हैं, हीट और जो लाइट है ना दूसरी चीजों से प्राप्त करते हैं। ये कह रहे हैं कुछ बॉडी जैसे प्लैनेट, प्लैनेट भी ऐसी है जो लाइट को और जो हीट को दूसरों से प्राप्त करती है जैसे तारों से प्राप्त करती है। ठीक है, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जिस धरती पर हम रहते हैं उसे प्लैनेट कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। हमें एक और चीज बताई गई, वेरियस पैटर्न मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ये कह रहा है कि अगर तारों के द्वारा कई प्रकार की जब डिजाइन बनाए जाते हैं, जैसे पैटर्न बनाए जाते हैं, जैसे चम्मच की तरह देख रहे होगे, उनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। आप अपने बुक में देखोगे तो आपको और भी दिखाई देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम आगे बताया गया कि लाइक अर्थ देयर आर सेवन अदर प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, मतलब धरती के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में सात और प्लैनेट है, यानी कि कुल कितने प्लैनेट हो गए, एट। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सबसे पास में है ना इसे मरकरी कहा जाता है, फिर वीनस होता है, फिर अर्थ होता है, उसके बाद मार्स मतलब मंगल ग्रह होता है, इस तरीके से बाकी के चार और प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमसे पहले क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज। अभी मैंने आपको आंसर दिखाए थे कि सेलेस्टियल बॉडीज के आंसर दिखाए थे। ठीक है, अब आप फटाफट आप मैंने जो लिखे उन्हें देख लीजिए। द सन द मून प्लैनेट स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कहते हैं मेरे बच्चों ने, सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द सन द मून प्लैनेट स्टार्स एंड अदर बॉडीज इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट बोला कि हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। ये कह रहा है जो प्लैनेट और जो स्टार है उसमें क्या डिफरेंट है। तो प्लैनेट डजंट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट, प्लैनेट की खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। अ स्टार पोजेसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। और नेक्स्ट है अ प्लैनेट इज यूजुअली स्मॉलर देन स्टार्स। ये कह रहे हैं जो प्लैनेट होते हैं ना वो तारों से छोटे होते हैं और स्टार्स आर वेरी ह्यूज ऑब्जेक्ट, और स्टार जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट है, अर्थ क्या है, प्लैनेट है, और सन क्या है, स्टार है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया कॉन्स्टेलेशन का क्या मीनिंग होता है। वेरियस पैटर्न्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट है। तो आप लिखोगे 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको ये लाइन से ही सारे याद करने हैं। ठीक है, और वैसे इसमें पूछा नहीं गया था कौन कौन से प्लैनेट, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दी क्योंकि हमें ये भी अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछेगा कि सन के सबसे पास में कौन है, मरकरी है। ठीक है, सन से तीसरे नंबर पे कौन आता है, अर्थ है। अर्थ के पास में कौन है,
मार्स है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वंस अगेन।